फेमिलियर विद दैट प्लेस, सो हम लोग पहले जो है उसको गूगल मैप पे ढूंढ लेते हैं। दीपू दोसा गाड़ी, इट इज़ अराउंड 2.6 किलोमीटर्स, यहाँ से लगभग 5-10 मिनट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग। इट्स ए ट्यूजडे मॉर्निंग। आज जो है हमारा पूरा काम वाम सब खत्म हो गया, सो अब चलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए दीपू दोसा गाड़ी के पास। Yesterday I was searching कि भाई where do I get best dosa in Mysore, तो मेरे को दो तीन जगह से जो है I got a review saying कि भाई this Deepu dosa गाड़ी में मिलता है, तो we'll go there and वहाँ जाकर टेस्ट करके आपको मैं बताऊँगा कि how actually it is। ये it is somewhere near Kukkereli Lake, so I will share you the location in my description box, so चलते हैं वहाँ पे, so let's go। ये रश ही बोल रहे हैं कि हाउ फेमस दिस इज, कि भाई चलते हैं, वी विल गो देयर एंड वी विल ट्राई टू सी व्हाट दे हैव इन दिस मेनू, तो चलते हैं वहाँ पे। ये बन रहा है अंदर गर्मा गर्म डोसा, क्राउड ओनली सेज कि हाउ फेमस दिस पर्सन इज, तो देखते हैं इनके पास क्या क्या मिलते हैं। आई थिंक सो ही इज़ फेमस फॉर इडली एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वड़ा एंड मसाला डोसा, सो विल मेक यू प्रिपेयर, विल सी कि हाउ ही प्रिपेयर दिस डोसा। ये डालेंगे मसाला डोसा, ये इनका शाव के बाद का लग रहा है, एक चटनी नंबर दो सेट भैया। ये हमारा गर्मा गर्म इडली और वड़ा और उनके देसी स्टाइल का चटनी और सम आई डोंट नो व्हाट ही पुट समथिंग, एकदम गर्मा गर्म है, सो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, नॉट इवन एबल टू होल्ड इट। सो चलते हैं कार में बैठ के हम लोग इसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा है। टुडे वी आर एट द दीपू डोसा पॉइंट, सो ये देख टेस्ट करते हैं ये इडली वड़ा और आपको बताते हैं कि कैसा है ये, तो इसके बाद हम देखने जाते हैं अगर डोसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज आई थिंक सो इट क्लोजेज एट 11 o'clock, सो एनी हाउ देखते हैं। ये हमारा पहला बाइट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है, इसको लेते चटनी के साथ, और ये हमारा पहला बाइट, एकदम सॉफ्ट बेहतरीन इडली, एकदम ज़बरदस्त इडली है। अगला बाइट लेंगे, हमें पता नहीं कुछ इनका जो ऑरेंज कलर का क्या है, सो एनी हाउ विल टेक बाइट विद दिस, दिस इज मोर बेटर देन दी चटनी, द चटनी इज ऑन स्पाइसी साइड बट दिस इज वेरी गुड। तो इडली तो काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट कंपेयर टू आई थिंक इट इज द बेस्ट इडली यू कैन एवर गेट इन टाउन, सो यू हैव टू रियली ट्राई दिस। वो वड़ा का टेस्टिंग करके, मसाला वड़ा दिस इज़ वेरी फेमस इन साउथ इंडियन साइड, द टू इन मैसूर बैंगलोर एंड चेन्नई साइड, बहुत अच्छा है। अभी जल्दी से इसको फिनिश करके डोसा ट्राई करके आपको बताएंगे, ठीक है। डोसा मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये देखते हैं। दिस इडली इज रियली सॉफ्ट एज बटर, सो इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप इसको खाकर देखेंगे तो तब जनरली यू अंडरस्टैंड कि हाउ सॉफ्ट इट इज़, सो इट्स रियली सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, जैसे घुल जाती है, जैसे यू पुट इन योर माउथ ये इनमें घुल जाता है, सो एकदम रियली बेस्ट इडली आई थिंक सो आई एवर हैड इन मैसूर। इसका एम्बियंस तो एकदम बहुत ही अच्छा है, बिकॉज केप्ट टोटली क्लीन, जो इतना रश में दे हैव ऑल केप्ट क्लीन, सो नाइस बास्केट
took all your waste. So this yes, kept this place clean and tidy. So anyhow, मेरे को तो डोसा नहीं मिला, तो डोसा वॉज सोल्ड आउट. सो आई ट्राई कमिंग नेक्स्ट टाइम लिटल अर्ली. टुडे बाय द टाइम आई रीच्ड इट वॉज 10 o'clock, सो आई कुडंट गेट एनीथिंग मच. एनी हाउ देयर इडली वॉज गुड. अनफॉर्चुनेटली मेरे को डोसा नहीं मिला बिकॉज आई वॉज टू लेट. सो एनी हाउ इफ यू नेक्स्ट टाइम इफ यू कम हियर डू ट्राई देयर डोसा. आई हैड ऑर्डर्ड डोसा मच अर्लियर बिकॉज मेरा टोकन आते आते थे डोसा वेर एम्प्टी, सो आई कुडंट गेट ए हैंड ऑन दिस डोसा. बट इनका डोसा वॉज लुकिंग वेरी गुड. बट आई थिंक सो मेरे को स्टिल आई प्रिफर कमिंग हियर एंड ईटिंग इडली इज मच बेटर बिकॉज इडली वॉज सुपर सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब so that I can come up with more videos of myself. So stay tuned till next video. Thank you.